हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक प्रोजेक्ट उत्तर कक्षा 9वीं का यह दूसरा भाग है। पहला भाग का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। इसमें सबसे बेस्ट आंसर और सटीक आंसर दिया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो आंसर है वो पूरा प्रिंटेड है। कहीं पर भी आपको जो है परेशानी नहीं होगा लिखने में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि आने वाले समय में है ना, छत्तीसगढ़ जो बोर्ड है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को असाइनमेंट लिखने के लिए भी देगा हर महीने, है ना। जैसे इस साल जो है बच्चों को असाइनमेंट दिया गया था 6 असाइनमेंट, वैसा ही आप लोगों को भी असाइनमेंट दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को आंसर जो है डायरेक्ट PDF में जो है आपको भेजते जाऊँगा। और रेगुलर प्राइवेट ओपन परीक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारी ओपन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए HB ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं इसके आंसर। ये दूसरा भाग है दोस्तों, पहला भाग वीडियो अवश्य देखना। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक का जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैंने एक पहले जो पहला भाग है वीडियो का उसमें डाल दिया है, और ये सेकेंड भाग है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक का। तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ये सब लिखा हुआ है। आप सीधे स्क्रीन को देखते हुए इसको अपने कॉपी में नोट करते चले जाइए। मैं स्क्रीन थोड़े थोड़े देर में आगे बढ़ाते जाऊँगा। और वीडियो क्वालिटी जो है आप लोग इसको थोड़ा क्वालिटी 240p 360p में देखेगा तो आपको क्लियर दिखेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आंसर है, इसको मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, सब साफ सुथरा राइटिंग में लिखा हुआ है ना। ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, टीकाकरण क्यों किया जाता है कोरोना से बचाए होते भारत में उपयोग किए जाने वाले टीकों के नाम को आपको बताना है। तो शिशु के टीकाकरण और बुजुर्गों के सभी लोगों को टीकाकरण करना चाहिए दोस्तों। अभी कोरोना का समय चल रहा है, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि टीकाकरण करने से हमारी जो इम्यूनिटी होती शरीर की एंटीबॉडी वो जो है सही हो जाती है ना। इम्यूनिटी जो है बहुत मजबूत हो जाता है। वैक्सीन की दवा कैसे काम करती है, जो वैक्सीन होता है वही टीकाकरण है दोस्तों। ये हमारे रक्षा प्रणाली को मजबूत कर देता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके मैंने लिखा हुआ है, ये नोट करते चले जाइए। ये कंप्लीट हो जाता है आपका। प्रश्न क्रमांक 13 है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई भी 20 प्रश्न को लिखना है दोस्तों। तो इसमें मैंने 20 से 25 क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप कोई भी 20 इसमें से नोट कर सकते हो। इसको मैं पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाती है ना। आप लोग को सीधे नोट करना है, आप लोग घर पर पढ़ते रहिएगा। वीडियो को थोड़ा थोड़ा देर रोककर आपको इसको नोट करना है। ये हो गया यहाँ से एक क्वेश्चन, 20 तक हो गया कंप्लीट आपका। आप क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 तो आपको स्वयं से लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखेंगे इसमें। उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता चाचा चाची इत्यादि से कुछ पूछना है, और उनसे जो भी वो जवाब देंगे उसी को आपको कॉपी में नोट करना है। इसको आपको स्वयं लिखना है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा नहीं लिखा है ना, क्योंकि वो यही कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है,